यहाँ चल रहा है हमारा स्वराज 963 फोर व्हील, और कुछ समस्या आ रही है। मतलब जब चलता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है डीजल प्रॉपर नहीं जा रहा है। तो हमने फ्यूल फिल्टर खोला था तो इसमें दिख रहा है कि फ्यूल के फिल्टर में कचरा है, तो हमने ये लिखा है, इसको डालेंगे। मैंने स्वराज के लिए लेके आया ये वाला कि फ़िल्टर दे दो दोनों। इसमें पेपर फिल्टर आता है और एक क्लॉथ फिल्टर आता है, मतलब एक कपड़े का फिल्टर है और एक पेपर का फिल्टर है। और ये करीब 150 रुपये का दिया है, वैसे सस्ता आता है, 120 रुपये के लगभग बैठना चाहिए था, पर अब ठीक है, क्या करो। तो अभी हम जैसे चला रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें कैसे कैसे ये चल रहा है। अभी ये 3 बॉटम का फ्लो चल रहा है। स्वराज वालों को एक सजेशन है कि भैया अपनी जो टॉप लिंक है उसको सही से कसने का इंतजाम दे, ये बार बार खुल जाती है और वो ब्लाउ जो है पीछे का जो पलटा है वो तेज लेने लगता है। देखो ये, अरे वाह, वो खुल गई। देखो देखिए, दिख रही, मैं दिखाता हूँ, ऑटोमेटिक खुलती है। ये गहराई चल रही है, ये खुल गई। तो ये इसका सुधार करो भैया, कब तक ऐसे किसान कसते रहेगा। उसके साथ ही वो गोली घूमती है टाइट करने वाली, और हमारा ये प्लाउ चल रहा है, ये गहराई है इसकी। सोच लो कि फोर व्हील तिरछा होके चल रहा है तो कितनी गहराई होगी। और ये मूंग के खेत हैं तो मूंग के खेतों में बढ़िया प्लाउ होता है। ये ट्रैक्टर जितना बड़ा है लगभग, थोड़ा होते ही उससे छोटा बड़ा होगा प्लाउ, नहीं तो बराबर ही साइज है। बड़ा जी, अच्छा 15 की रेस पर हाई 2 में का छोड़ दो क्लच एकदम से, आगे से उठा हुआ कि नहीं हो देखा अपन। हाई 1 लगाओ, 2 नंबर लगाओ, रेस फुल कर दो। उड़ जाता, चलो ये देखो, मतलब प्लाउ में उड़ जाता। कौन कहता है कि 963 उठता नहीं है, आपके सामने लाइव एग्जांपल दिया मैंने कि ये उड़ जाता है। अभी तो डीजल फिल्टर में थोड़ा सा कचरा है, ज्यादा तो नहीं है, जान दो जान दो। और अगले चक्के में अभी पानी डलाना भी बाकी, अभी ये सीजन तो क्या काम बहुत ज्यादा थे और समय बहुत कम, इसलिए डलवा नहीं पाया, नहीं तो मैं जरूर डलाता। और अगर हम खेत निकालने की बात करें इस प्लाउ से, ये जो प्लाउ है हमारे पास 3 बॉटम फुल साइज प्लाउ है, जिसके अंदर 16 के टायर की प्लेट लगी हुई है। और आप देख सकते हो ये टायर जो लास्ट कॉर्नर का टायर है इसको ओवरलैप करके जा रहा है, मतलब ये भी आधा चढ़ रहा है इसके ऊपर, और जो फ्रंट टायर है उस पर पलटा मार रहा है। तो उससे आप जगह का आकलन लगा सकते हैं कि ये कितनी जगह लेके जा रहा है। और अगर हम कैलकुलेशन लगाएं कि प्लाउ कितना एकड़ हेड रहा है, मतलब कितना टाइम ले रहा है, तो ट्रैक्टर ये जो स्पीड है जो कि एकदम नॉर्मल स्पीड है, इसमें 1 घंटे में 1 एकड़ निकालता है बढ़िया तरीके से। मतलब 1 घंटे में 1 एकड़ आपकी कहीं नहीं गई। और अगर कभी हम इससे 1 गियर ज़्यादा डालते हैं जिसमें थोड़ी सी स्लिपेज आती है और हल्की सी गहराई कम हो जाती है, तो 45 मिनट में 1 एकड़ निकाल देता है। और ट्रैक्टर की फ्यूल लेने की बात करें, डीजल लेने की, तो 1 घंटे में अगर हम B3 में चलाते हैं तो 5.5-6 लीटर लेता है, जिसमें 45 मिनट में 1 एकड़ हेड़ेगा। और अगर हम B2 में चलाते हैं तो 5 लीटर के करीब लेता है, जिसमें कि 5 लीटर नहीं 4.5 लीटर के लगभग लेता है, जिसमें कि वो 1 घंटे में 1 एकड़ हेड़ता है। मतलब अगर हम फायदे की बात करें तो 3 बॉटम में 4 व्हील चलाने से फ़ायदा है। मतलब एक तो खटाखट आपके खेत निकल रहे हैं, दूसरा आपका जो ये प्लाउ है इसका पूरा यूटिलाइजेशन है। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम आ रही है हमको, वो टॉपलिंग जो है वो बार बार खुलती है, तो वो बार बार उसको 4-8-10 राउंड बाद थोड़ा थोड़ा कसना पड़ता है। उसको हथौड़ी से ठोक के देख लिया, इतना ठोक लिया कि वो फुल टाइट हो जा,
जब भी वो ढीली हो ही जाती है, पता नहीं क्यों। बाकी प्लव बहुत बेहतरीन कर रहा है, अभी ढीले भी उतने ज़्यादा नहीं हट रहा। और ये जो ज़मीन है ब्लैक सॉइल है, कॉटन ब्लैक सॉइल जिसे बोला जाता है, और हार्डेस्ट सॉइल भी बोला जाता है, मतलब जितनी भी मिट्टियाँ हैं उसमें सबसे हार्ड मिट्टी यही मानी गई है, जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है वहाँ तक। तो इस मिट्टी में अगर ये ऐसा खेत निकाल रहा है तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट काम कर रहा है। या आप देख सकते हो मिट्टी का कलर, ये सूरज की विपरीत दिशा में दिखाता हूँ, ये है कलर इसका, तो बहुत ज़्यादा ब्लैक सॉइल है ये, पर अच्छा काम हिट रहा है इसमें। सराहनीय है कि प्लव को हमारी चॉइस जो है वो सही रही और ट्रैक्टर उसको खींच ले रहा है। अभी जब गर्मी का सीजन आएगा तो गर्मी में हम प्लव का कैलकुलेशन लगाएंगे, लेकिन उसमें फ्रंट जो फोर व्हील है, सामने के टायर, उसमें डालेंगे मतलब पानी, पिछले वाले टायर में डालेंगे वेट, और एक लगाएंगे एम्प, मतलब जो म्यूज़िक सिस्टम है अपनी जो छतरी है उसमें, फिर इसको चलाएंगे हम गर्मी के सीज़न में, क्योंकि गर्मी के सीज़न में बहुत लंबा काम रहता है। अभी तो ऐसा है कि मूंग का टाइम था तो दौड़ में जल्दी से जल्दी काम निपटाना रहता है, तो उतना ध्यान नहीं दे पाए हम, बाकी करेंगे ज़रूर ये काम। और इस खेत में हमारी दोंगली थी, दोंगली के आप नामो निशान देख लो, सेम्परा डली हुई थी तो सब खेल ख़त्म हो गया उसका, नहीं तो यहाँ पर दोंगली खा जाती थी खेत को। ये आए हैं मामा, मामा ने 15 नंबर पानो लाया, परफेक्ट पानो, फिक्स पानो नहीं लाया। अब अगर बाय चांस यू नहीं लगे तो जानू पड़ेगा वो। ये देखो झकझक की आवाज आई आपको, यह है फिल्टर में कचरे का कारण। अभी इसकी सब कैसेट सुलझाते हैं हम खटाखट, अभी इसका कचरा निकालते हैं। ये जहाँ तक है मेरे को ऐसा लग रहा है जो डिपो में रखा रहता है ना उसमें कचरा ज़्यादा आता होगा, क्योंकि इसमें दो बार कचरा आ चुका, नई फ्रेश गाड़ी एकदम पेटी पैक में। और ऐसा कैसे मेरे साथ एक बार जॉन डियर में भी हुआ था, नया फ्रेश जॉन डियर लाया था, एयर लेने लग गया था, मतलब बार बार एयर लेके बैठ जाता था, फिर पता चला कि भैया उसके तो फिल्टर में ही कचरा है, फिर उसको सुधरवाया जैसे जैसे करके। अभी ये आ रहा ना, अभी इसको करेंगे। देखो फोर व्हील तिरछा चल रहा है, अब इससे ज्यादा और क्या प्लव लगवाओगे आप? नीचे का एरिया देखो, अभी नहीं अभी नहीं, न्यूट्रल करके छोड़ दे। देखो ये डीजल मासी हालत हो गई है, इसके अंदर निकला कचरा तबीयत से, ये देखो ये कचरा हमारे घर का तो बिल्कुल नहीं है, फिर ये कचरा कहाँ से आया? पूछना चाहता हूँ मैं कंपनी वालों से, थोड़ी देर चल लो रहने दे, मैं उस कचरे और गिरा हुआ नहीं अभी तो, एक आंसू चला दे मां, काम कर ले मां, जे दिन डीजल कम रहेगा नहीं तो दिन पूरी टंकी के साथ फिल्टर लगता भी नहीं रे भैया, वो भाई सर एक दान
पहले डलेगा क्लॉथ फिल्टर, समस्या हुई रिजॉल्व। डीजल फिल्टर बदल दिए, कचरा हेल लिया, पूरा ये काला हो गया। हालांकि इसमें थोड़ी मट्टी बाद की भी मिली, पर उसके अंदर जो अंदर टूटी थी फ्यूल टैंक में जो आती है उसमें फिल्टर में कचरा था। अब टंकी में कैसे कचरा पहुंचा ये तो अपने को भी नहीं पता, पर जहां तक है ये वहीं की समस्या है, अपने यहाँ की नहीं। अब ये भैया ने देखो प्लाऊ के तिरछो कर दियो हैं, ये सीख रहे हैं। ये देखो ओए, अरे प्लाऊ तो कर ले, अरे उठाओ के ऊपर भाई, गोटी से कितना ऊपर है बात तो देखो, खे आसा चला आएगा पूरे चिपका। हाँ आज चला, ये देखो भैया नया सिक्का ढंगा तो सिखानू पड़ा है, पूरी लिफ्ट छोड़ दी है, तो सेंसिंग पर लगे थी वह गड़बड़ कर दी अंदर। एक तो गहरो डालेगा तो सोयाबीन की बोनी नहीं होगी हमारा भैया। हालांकि फिर भी ट्रैक्टर चल रहा है, V3 में दम नहीं तोड़ रहा, बड़ी बड़ी ताज्जुब वाली बात है, क्योंकि इतनी ताकत लगाना आम बात नहीं है। ये तो ट्रैक्टर की जान हेड़ दे गोरी भैया, इतो मत लगा, अरे सोया भी नहीं बुआएगी अपना से। ओ भैया जरा कम लगा, कम सोयाबीन भी बोनू अपना खे, कम कर रहो की गहराई, गहराई कम कर ले, बंद मत करे, ये तो गहरो लगा के जागो कहाँ की जगह।
हाँ बस ज्यादा गहरा में प्रॉब्लम यहाँ पड़ेगी कि सोयाबीन की बोनी नहीं होगी, वो ट्रैक्टर इतना धसा को जगह के प्लव का बाद जब कल्टी ओवर धरेंगा नहीं। अच्छा ओखा मजा है कल आ रहा कि अच्छू गहरो फंसे तो दिखे जरा कि हाँ यार ट्रैक्टर दम भर रो। ये भी गहराई बहुत है अभी भी।